हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साइको टेस्ट का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और जो है इस साइको टेस्ट जो आपने दिया है उसमें आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगा कि नहीं, जैसा कि आपको CBT 1 और CBT 2 में मिला था एग्ज़ाम देने के बाद। और इसमें आपको मैं नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड के बारे में बताऊंगा कि जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड आएगा साइको टेस्ट का उसमें क्या क्या लिखा होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है कि मान लीजिए वो साइको टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, और तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो पोस्ट हैं आपकी LP और वेरियस पोस्ट है आपके टेक्नीशियन के लिए, तो उसके लिए। और मैं इसमें आपको RRB NTPC जो 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक स्कोर कार्ड दिखाऊंगा एक स्टूडेंट का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें क्या क्या लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें आपको रिस्पॉन्स शीट मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका NTPC का साइको टेस्ट का, वो भी ऑनलाइन हुआ था जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो उसमें भी रिस्पॉन्स शीट नहीं मिला था। तो इस टेस्ट में भी जो LP का है इसमें आपको रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलेगा। अब जो भी आपने सॉल्व किया है, जैसा भी आपका एग्ज़ाम गया, वो रिजल्ट डायरेक्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। दूसरी बात है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि नोटिस में लिखा था कि मई या जून लिखा था कि इस मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, तो अब तो 21 मई को आपका एक साइको टेस्ट हुआ है, 10 मई को हुआ था और कुछ बच्चों का 21 मई को भी हुआ है, तो मे भी आपका रिजल्ट है जो जून लास्ट तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड। तो मैं प्रीवियस जो साइको टेस्ट हुआ था RRB NTPC का, उसका स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो जैसा कि अब आपका जो एग्ज़ाम है साइको टेस्ट का आपने दिया है, उसमें जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ऑनलाइन ही आपका रिजल्ट शो करेगा, जैसे कि आपका PDF एक साथ नहीं आएगा कि उसमें आपको लिखा होगा कि आपका साइको टेस्ट का स्कोर ये है, PDF नहीं आएगा। ठीक है, वो ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप खोलेंगे तो ये प्रीवियस ईयर RRB NTPC का स्कोर कार्ड है एक स्टूडेंट का, तो ये सिकंदराबाद बोर्ड से है। तो जब आप खोलेंगे तो आपको स्कोर कार्ड दिखाएगा ये। अब देखिए, एक और बात बता दूँ, जो ये आपका स्कोर आएगा साइको टेस्ट का, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। देखिए, जैसे पहले इसमें लिखा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन सेकेंड स्टैंड कंप्यूटर बेस्ड एंड एप्टीट्यूड और टाइपिंग टेस्ट स्किल NTPC ग्रेजुएट पोस्ट अगेन CN03/2015। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका होगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग टेस्ट हुआ था, जैसे कि उसमें पोस्ट थी कलर की भी पोस्ट, तो उसके लिए। अब आगे देखते हैं, तो ये देख लीजिए, ये सिकंदराबाद बोर्ड से है, रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर। अब देखिए, इसमें जो है आपका सबसे पहले इसमें लिखा रहेगा नॉर्मलाइज मार्क ऑफ सेकेंड स्टेज CBT, जो आपने सेकेंड स्टेज CBT दिया था उसका स्कोर लिखा रहेगा, और ओवरऑल रैंक भी लिखा रहेगा इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं 404 लिखा है। तो ये जो ओवरऑल रैंक है, ये आपका जिस भी बोर्ड से आपने भरा है, जिस भी बोर्ड, मान लीजिए ये सिकंदराबाद बोर्ड से है, तो आपने जिस भी बोर्ड से भरा है उसका रैंक, ओवरऑल रैंक दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर सिकंदराबाद में 525 पोस्ट थी, तो उसमें ये रैंक दिखा रहा है। ठीक है, अब कंपोजिट TSCore जो इस स्टूडेंट्स का बना है वो है 320, जैसा कि आप देख सकते हैं 320 ये इसका कंपोजिट स्कोर बना है, और ये जो TSCore जो है आपको शो करेगा उसमें, ये है 20 इसका बना है, तो और ये 20 बना है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेटस देख सकते हैं, तो इसमें नॉट क्वालिफाइड, तो सिकंदराबाद का उसमें शायद कट ऑफ गया था 21 point something के अराउंड। ठीक है, तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब ये क्या लिखा है, ओवरऑल रैंक इन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ओवरऑल रैंक इसका क्या है, नॉट एप्लीकेबल। तो अब इसका नॉट एप्लीकेबल है, इसने अगर क्वालिफाई किया होता तो इसमें आपका रैंक दिखाता, जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में और जो सेकेंड स्टेज CBT दोनों को ऐड करके जो आपका रैंक आता उसी जोन में, वो यहाँ शो करता। अब ये लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, तो ये लिखा है शॉर्टलिस्टेड फॉर DV। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि RRB NTPC में जो पोस्ट थी आपके कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और जो भी क्लर्क की पोस्ट थी, तो इसके लिए इसमें लिखा है शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिस प्रकार इसने ये दिया होगा सीरियल वाइज, मान लीजिए इसने पहले ASM दे रखा होगा, उसके बाद गुड्स गार्ड दे रखा होगा, ठीक है, इसलिए इसे सेलेक्ट किया गया है गुड्स गार्ड के लिए, क्योंकि जो 79 point थी उस समय जो गुड्स गार्ड की कटअप थी इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए इसे गुड्स गार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग TSCore इन ईच टेस्ट बैटरी इज 42,
हु फेल इन एनी ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट आर रेंडर अनसुटेबल इन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दस डू नॉट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ ASM और ट्रैफिक असिस्टेंट। तो अब जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा साइको टेस्ट, उसे तो उस जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर के लिए, उसके लिए सेलेक्ट नहीं किया गया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा एक बार और बता दूँ दोस्तों कि जैसे कि आप अगर इस टेस्ट में पास भी कर जाते हैं, लेकिन आपका कोई टेस्ट, जैसे पांच टेस्ट है इसमें, अगर कोई भी एक टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप साइको टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब इसमें आगे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स भी आपको शो करेगा, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स शो करेगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा इसमें। और एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, जो भी आपने स्कोर किया है, वो आपको जो भी पाँच टेस्ट बैटरीज है उसमें जितना भी आपने स्कोर किया होगा वो सारा डाटा इसमें लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग उसमें कितना है टी स्कोर और आपको कितना मार्क्स मिला है, वो सब उसमें डिटेल वाइज आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दूंगा। और मैं आपको प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कॉल लेटर है उसमें क्या क्या लिखा था वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। RRB NTPC के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉल लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट में कुछ गलती हो गई है या उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दिया है फॉर्म भरते समय, तो उसके बारे में उसमें लिखा है, तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।